फिफ्थ क्लास, मैंने आपके ग्रुप में आपको वर्कशीट नंबर फर्स्ट सेंड की है। अब मैं आपको ये वर्कशीट नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जो चीज़ आपको पिक्चर में समझ में नहीं आ रही वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट वर्कशीट में है चूज़ द करेक्ट आंसर, तो इसमें हमको जो जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो उसमें फिल करके उसमें लिखना है ना, आंसर करना है। विच ऑफ दिस इज़ वन ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी का शेप कैसा है, हमारी अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए उसमें से स्फेरिकल राइट आंसर है। आप यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन जब आपके एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पर भी आप क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे लंबी लैटिट्यूड जो लाइन है वो कौन सी है, इक्वेटर है ना। थर्ड है, अ बुक ऑफ मैप इज़ नॉन एज एन एटलस, इस तरीके से आप आंसर्स लिखिए। फोर्थ है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, सबसे बड़ा पृथ्वी पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सिक्स क्वेश्चन देखिए, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स इमेजिनेशन एक्सिस इज कॉल्ड इज रेबरेशन, जब पृथ्वी जो एक होता है सॉरी रोटेशन, जब सूर्य की जो परिक्रमा लगाता है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन, और जब सूर्य की परिक्रमा लगाती है हमारी अर्थ उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो अभी हम एक्सिस पे घूमने की बात कर रहे हैं तो होगा रोटेशन। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, डेज एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द, दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन की वजह से। फिर क्वेश्चन नंबर एट देखिए, द हाइट अबव द सी लेवल इज रेफर टू आर एज एल्टीट्यूड, ओके। फिर उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट टू प्लेस नियर द सी जनरली हैव, मतलब वहाँ पे जब जहाँ पर सी जो समुद्र पास में होते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म एंड ह्यूमिड, मतलब गर्म और नमी भरा होता है। टेंथ क्वेश्चन देखिए, पिग्मीज आर फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट, पिग्मी जो ट्राइब्स है वो कहाँ पर पाई जाती है, अफ्रीकन है ना, अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीकन फॉरेस्ट में। द इक्वेटोरियल रीजन लाइज इन विच टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ, इक्वेटोरियल रीजन के आस के पास का जो क्षेत्र होता है वो कैसे होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टॉरिड जोन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रैन फॉरेस्ट हैव टू आ, रैन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड वेट, मतलब गर्म और नमी भरा। हमारा थर्टींथ एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच फीचर्स ऑफ द अर्थ एक्सिस कॉज रीजन ऑन द अर्थ, तो टिल्टेड जब वो झुकी हुई है उसकी वजह से ये सीजन चेंज मतलब जो होते हैं सीजन प्रभावित होते हैं। हाँ, इसमें हमारे 13 ही क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर फर्स्ट में, और आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसको अच्छे से लर्न करिएगा, रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल सेंड करूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।